विरोध किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी। आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सबसे पहले यह कहना आज गलत नहीं होगा, बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। हम सब जानते हैं कि विश्व पटल पर किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं भाता है। और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हों या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है। सबसे पहले तो बीबीसी का जो इतिहास है, कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। बीबीसी रिपोर्टिंग करे, निष्पक्ष पत्रकारिता करे। भारत का संविधान ये हक उन्हें देता है, लेकिन किस तरह की पत्रकारिता की आड़ में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है, वो मैं आपके समक्ष रख दूं। देयर इज अ रिपोर्टिंग दैट वाज डन बाय द बीबीसी इन अ प्रोग्राम, दे अनलीश्ड द मोस्ट वेनमस अटैक अगेंस्ट आवर कंट्री। The program presenter referred to a commander of a terrorist outfit operating in Kashmir as charismatic young militant. एक आतंकवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है, उसको बीबीसी ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है। ये करिश्माई युवा उग्रवादी, ये किस तरह की रिपोर्टिंग है। आप भारत में कार्य करना चाहते हैं और भारत के संविधान को तार तार करते हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहां क्या त्योहार है, सबके क्या भाव हैं, वो बिना जाने बीबीसी ने कहा होली इज अ फिल्थी फेस्टिवल। BBC, what do you know about the festivals of India? And citing this example will go a very long way to show shallow the reporting of the BBC is. Adding to that, we all revere father of the nation, Mahatma Gandhi ji. But BBC wishes to operate in India, yet refuses to respect the icons of the country. The BBC very categorically in a program and its presenter had the temerity to say that Mahatma Gandhi had failed in his attempt to liberate India in 1946. And BBC should definitely also pay heed to the words of UK's longest serving Prime Minister, Margaret Thatcher. She had called the BBC as Bolshevik Broadcasting Corporation. These examples are very important for a fundamental reason, and the reason is this. India is a country which gives an opportunity to every organization, every individual, as long as you are willing to abide by the constitution of our country, as long as you do not have a hidden agenda, as long as you don't spew venom, and as long as the facts that you bring out in public domain and you disseminate have a basis. It can't be whims and fancies of a corporation. And this cannot be tolerated. Having spoken about the BBC, there are larger questions to be asked to the opposition parties who have not even fulfilled their responsibility of exercising restraint. और ये कहना गलत नहीं है, क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ हमेशा? पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहिए सबको, हम पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, अगर एक संस्था, कानूनी संस्था अपना कार्य कर रही है और अभी वो कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष बाहर भी नहीं आया है, किस आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल, जो भी देश विरोधी ताकत है उसके साथ खड़े हो जाते हैं? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि आप संयम नहीं बरत सकते? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि जो भी देश विरोधी ताकत होगी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बीबीसी, और कई बार हमने देखा कि आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ, और तमाम ऐसे मुल्क हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। यह सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा। पहला, जो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुई थी, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इस पे आपने ओछी हल्की घटिया राजनीति करी? क्यों नहीं संयम दिखाया कि रिपोर्ट आने का इंतजार करते। और यह न्यायालय का काम है, वो तय करेगी कि किसी भी जांच एजेंसी का या किसी विभाग का कार्य कानूनी तौर पे सही है या द्वेष भावना से किया गया है। तीसरी बड़ी बात, आप ये भूल जाते हैं कि इसी बीबीसी के खिलाफ जब आपकी सरकार थी तो प्रतिबंध लगाया गया, जब बैन आपने लगाया तो वो ठीक है, लेकिन अगर आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है तो मोदी जी से नफरत आपकी इतनी है कि आप उसको भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा चरित्र दिखाती है कि किसी भी संवैधानिक संस्था और कानूनी संस्था पर इनका विश्वास नहीं होता है, चाहे वो देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो भारत की सेना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सीएजी हो। और अब ईडी सीबीआई पे भी आप आरोप लगाते हैं, लेकिन न्यायालय जाते हैं तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। आयकर विभाग पे भी आपका विश्वास नहीं है, तो आपका विश्वास केवल ऐसी संस्थाओं पे है, ऐसी एजेंसियों पे है जो भले भारत का नुकसान कर दे, लेकिन आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको तवा मिलता रहे। ये बेहद ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी जांच एजेंसी हो या कोई भी विभाग हो, अगर वो अपना कार्य कर रहा है और उस पर इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं तो देश की जनता देख रही है कि किस तरह से आप देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़े हैं और देश के साथ नहीं खड़े हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, खाता ना बही जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहे वो सही। आपने जो प्रश्न पूछा, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है। अब देश का विपक्षी दल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानता है या देश विरोधी एजेंसी को ज्यादा महत्व देता है, ये तो उनको तय करना है। Absolutely, this is the essence of the press conference as well. No individual, no agency could be above the law of the country. And in an ongoing action that is being taken by the Income Tax Department, why is it that there is a tearing hurry by the opposition party, especially the Congress party, to give a clean chit to the agency concerned and try to do cheap and petty politics over the issue? Why can't they be more patient and wait for the report to come out? And also, I must add again that if you have been following the law of the country and if you have nothing to hide, then why be so afraid of an action that is as per law? But the question which they are asking is the timing of this rate, these rates, because they are saying when this BBC documentary matter is going on and these rates are being conducted, so therefore there is something behind this. To that I would only like to say that timing of the action of the agency or the IT department is not decided by any outside power government. Yes, during the Congress days, we all know how infamously the Congress government was told to stop interfering with the functioning of the CBI and called the premier investigating agency of the country a caged parrot. This was a comment made by the Honorable Supreme Court of India. देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये एक ऐसा वायरस आ गया है, आम जनता से कोसों दूर हैं, लेकिन उनकी अपनी नजरों में वो हीरो हीरा लाल है। मैं इतना ही कहूंगा, जो विषय हमने उठाया है, जो भी संस्था है, जो भी कानून है, उसके तहत ही कार्रवाई होती है। तथ्यों के अभाव के कारण मैं और कुछ इस पे नहीं कहना चाहूंगा। यह जरूर कहूंगा, किसी को भी अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुखद जरूर है कि जब भारत का हर नागरिक देश के शहीद जवानों को याद करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है, तो कांग्रेस पार्टी बदला है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। रणदीप सुरजेवाला होम ग्रोन टेररिज्म बता के जो शत्रु देश है उनको क्लीन चिट देते हैं। राहुल गांधी भारतीय सेना के लिए कहते हैं कि वो पिट गई। और मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय राजनीति में कोई पिटा हुआ मोहरा है तो वो कांग्रेस है। और भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व था, है और रहेगा। Thank you.